नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। देश की सियासत में राजनेताओं और अपराध का चोली दामन का साथ है और ये सदा से रहा है। देश में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं है जो पूरी तरह से अपराध मुक्त छवि की हो, यानी उनके किसी भी नेता पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हो। यही वजह है कि राजनीतिक में अपराधीकरण के मामले में अपने फैसले में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया हो, मगर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब संसद के भीतर कानून बनाना इनकी जरूरत है। दरअसल राजनीतिक अपराधिकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले में फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि संसद के ये कानून लाए जाएं ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहें। राष्ट्र तत्परता से संसद द्वारा कानून का इंतजार कर रहा है। वहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ आरोप तय होने से या किसी को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता और बिना सजा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। साथ ही कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ रहे उनके व जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनकी जानकारी वेबसाइटों और इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट दोनों मीडिया में सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल जो ADR ने रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की संख्या को पूरा मिला करके अगर देखें तो करीबन 30% सांसद ऐसे हैं जो दागी हैं। इनमें से 17% सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। देश के चुनावों और उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने वाली ADR की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें सांसदों और पार्टीवारों नेताओं के क्रिमिनल रिकॉर्ड का ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा लोकसभा में 542 सांसदों में से 179 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कुल संख्या का 33% है। वहीं 114 के खिलाफ तो संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ठीक उसी तरह से राज्यसभा के 228 सांसदों में से 51 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और वहीं 20 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस तरह से दोनों सदनों के सांसदों को मिलाकर के देखें तो 770 सांसदों में से 230 पूरी तरह दागी बताए जा रहे हैं, जो पूरी संख्या का 30% है। अब आने वाले चुनाव में इसका क्या असर होगा ये जरूर देखने को होगा, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में इन आंकड़ों को जारी किया जाए जिन जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।